इनफ नहीं था कि यहाँ पे नॉक आउट किया जा सके। एंड TSM फिलहाल अपने आप को थोड़ा प्रेशर सिचुएशन में लेके जा रहे हैं, क्योंकि आप देखिए वो धीरे धीरे क्लोज इन करे। चौधरी बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड, बाकी दो प्लेयर राइट हैंड फ्रंट साइड से नियो आ रहे हैं, तो चारों तरफ से यहाँ पे घेरा जा चुका है TSM के मुकरो। एक गलत कॉल उनको मैच से यहाँ पे बाहर कर सकता है, लेकिन ग्रेनेड की बात करें जोनाथन यहाँ पे रेडी थे और सही टाइम पे सही प्लेसमेंट। और उसके बाद एक मॉली, देखिए कितना एक्यूरेट मॉली गया है, क्योंकि इनको पता है कि वो पिनआउट और नेट से पड़ने के बाद उधर आने के चांसेस थे। लेकिन अब ये सिचुएशन फिलहाल गॉडलाइक के काफी ज्यादा कंट्रोल पे आ चुके हैं। गॉडलाइक के लिए यहाँ पे मुश्किलें बढ़ सकती थी, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से स्ट्रैटेजी पाई TSM के ऊपर, वो मुश्किलें यहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। केवल दो प्लेयर रहेंगे, यहाँ से कोई एग्जिट नहीं है TSM के लिए। मल्टीपल ग्रेनेड्स, मल्टीपल मॉलीज आपके लिए, एक ना एक ग्रेनेड, एक ना एक मॉली आपको दिक्कत में डाल सकती है। एंड वो कहने की एक ग्रीन पास रहेगा टीम गॉडलाइक को ऊपर जाने के लिए, लेकिन ये टीम ऐसी है कि कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। देखिए ब्लेस को डाउन किया गया, निंजा की तरफ ये ग्रेनेड जाने के चांस रहेंगे, बट ब्लेस को यहाँ पे डाउन किया गया। एंड खुद से नियो की तरफ बात करें तो यहाँ पे जी गॉड को यहाँ पे टेक डाउन कर दिया है, खुद से अपने प्लेयर को नॉकआउट किया गया। एंड उसका फायदा मिल गया यहाँ पे TSM को, जी गॉड को मैच से बाहर कर दिया गया। एक गलत ग्रेनेड, एक गलत वहां पे कोऑर्डिनेशन टीम के बीच में, अपने ही प्लेयर को यहाँ पे नॉक करके सामने निंजा ने इस बात का पूरा पूरा फायदा उठा लिया। लेकिन अब ये आखिरी बैटल, क्या निंजा यहाँ पे अलाउ करेंगे टीम गॉडलाइक को और ज्यादा परेशान करने में या फिर और मुश्किलें बढ़ाने वाली? देखिए इनको पता चल चुका है, वो छत पे चले गए, तो ग्रेनेड पिन आउट करके नियो फिलहाल यहाँ पे बाहर आएंगे। एंड इसके साथ क्या कनेक्शन ढूंढने में कामयाब होंगे, डैमेज मिलेगा बट इनफ नहीं रहेगा कि नॉक आउट कर सके। बैटल जो कि एकदम स्मूथली फाइनली कंप्लीट होती, उसमें थोड़ी सी अड़चन आई उस ग्रेनेड के कारण। एंड ना चाहते हुए भी थोड़ा सा होल्ड किया गया। नियो की बात करें बिना बैकअप यहाँ पे आगे जा रही है, मुश्किल हो सकता था लेकिन फिर से अपने आप को पीछे लेके आ चुके। बैकअप नहीं आ रही है, वो एक बैकअप यहाँ पे जल्द से जल्द आ जाए तो निंजा यहाँ पे जरूर से मुश्किल में अपने आप को पा सकते हैं। और फाइनली आई थिंक वो बैकअप आता हुआ देखने को मिल रहा है। एक एक करके यहाँ पे बात करें तो स्लैमिन यहाँ पे करने का प्लान करेंगे। जॉनथन की बात करें डिफरेंट एंगल में जा चुके हैं, एक गलत पिक यहाँ पे निंजा को नॉक में डाल सकता है। ये तो जॉनथन बिल्कुल अपने साइड से वहां पे तय कर चुके हैं। और अभी भी देखिए नेक्रो नहीं जा रहे, वेट कर रहे हैं, क्योंकि एक गलती ऑलरेडी हो चुकी है और उसे दोहराना तो इस पॉइंट पे बिल्कुल ही नहीं चाहेंगे। जी बिल्कुल, वो बहुत मैं कहूँगा गंदा कैच उड़ी होता है, बट यही इट्स अ पार्ट ऑफ अ गेम। फिलहाल के लिए मुश्किल हो सकता है। जोनाथन ओ नियो को टेक डाउन किया गया, फिनिश ऑफ कर दिया गया, बट ओ दो कैजुअलिटी गॉडलाइक के लिए आता हुआ। एंड पोजीशन पॉइंट उतना ज्यादा नहीं मिल पाया। ओह जस्ट लुक एट द स्प्रे, जोनाथन ऑन फायर, स्लैमिन आ चुका है ऑलरेडी। बात करें सविता को मैच मार कर चुके हैं, इसका इंफॉर्मेशन फिलहाल उनके पास है। लेकिन मॉली भी यहाँ पे बात करें उनके गेस्टों की, लेकिन 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 जोनाथन को भी यहाँ पे टेक डाउन कर दिया गया, क्लच गॉड को भी यहाँ पे टेक डाउन कर दिया गया। केवल दो प्लेयर जिसमें से जी गॉड की हालत कुछ खास नहीं है, यहाँ पे कमबैक करने की कोशिश है। स्मोक इज द मैन, नो नियो ने यहाँ पे बात करें तो पगार को संभाल लिया, सिचुएशन को संभाल लिया। टीम एक्सो को ये गन शॉट्स मिल चुके हैं, डैमेज कर दी गई है। इस डैमेज डिफेंस के साथ थोड़ा सा यहाँ पे कंटिन्यू करना पड़ेगा। जोनाथन यहाँ पे बात करें तो कल लगाम बिल्कुल से यहाँ पे लॉक नहीं करेंगे, स्प्रे करेंगे आदि की तरफ, यहाँ पे वेकल डैमेज ब्लास्ट होने के चांसेस, ब्लास्ट यहाँ पे किया जाएगा, आदि को मैच से बाहर करेंगे। जोनाथन और भी यहाँ पे मुश्किल बढ़ा सकते हैं, बट इस बार लगाम की बात करें तो सिकॉर्ड यहाँ पे संभालेंगे। सिकॉर्ड भी बात करें तो एक और नॉक निकालेगा, इनसे एक एक करके यहाँ पे मुश्किल में अपने आप को पाते ही चले जा रहे हैं। जी गॉड की बात की जाए वापस यहाँ पे ध्यान पीछे तरफ लेकर जाते हैं, फाइल बॉक्स को यहाँ पे टेक डाउन कर सकते हैं। दूसरी तरफ सोनिक फॉक्स की तरफ इनका एंगल जाता है, दो डिफरेंट प्लेयर को यहाँ पे डैमेज दिए, लेकिन नॉकआउट करने में यहाँ पे सफल नहीं हो पाया। जोनाथन इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, पिछले मैच में भी यहाँ पे क्लचेस थे, क्या इस मैच में यहाँ पे सिचुएशन हो पाएंगे? ये थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया। जोनाथन को आप इस तरीके से मौके दोगे, वो आपको बिल्कुल लाने के लिए क्या यहाँ पे 1v2 यहाँ पे पॉसिबल कर पाएंगे? बिल्कुल सर्कल के बाहर 1v2 करेंगे। 5 फिनिशेस निकाले जा चुके हैं अकेले के जोनाथन के। सर्कल में जाना वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, सर्कल पे एंट्री मिल जाएगी, स्टॉप गार्ड पाया जाएगा, स्प्रे करेंगे। फाइनली एक नॉक यहाँ पे मैटी ओबी को के रूप में यहाँ पे नॉकआउट किया गया, इंस्टेंट फिनिश ऑफ भी यहाँ पे किया जाएगा। एंड फाइनली टीम मैचेस को इस मैच से एलिमिनेट करेंगे, तीसरे पोजीशन पे मुश्किल में अपने आप को पाया। यहाँ पे अब जाके ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग को भी यहाँ पे मुश्किल होने लगे, ग्रेनेड के साथ यहाँ पे लिफ्ट के डाउन करेंगे। ओके मार्कोस इस मैच को अपने नाम करना चाहते हैं, एक और ग्रेनेड यहाँ पे सूर्य की तरफ से यहाँ पे पेनाल्टी, लेकिन वो कनेक्शन ढूंढने से पहले कैंसिल किया जाएगा। आखिरी प्लेयर है, इन्फॉर्मेशन होगा, परफेक्ट कोऑर्डिनेशन के साथ जरूर इस मैच को बाहर करके इस मैच को अपने नाम कर सकते हैं। 15 पोजीशन के लिए आप जाएंगे, बिल्कुल मार्कोस गेमिंग दूसरे एंगल पे गए हैं और अपनी पोजीशन को फाइनली यहाँ पे रिवील कर लेते हैं। लेकिन जोनाथन की बात करें पोजीशन रिवील, डॉरेज भी मिलेगा, कवर की जरूरत है, कवर नहीं मिल पाया, उससे भी